ओकाला पीपल नगर परिषद पानखेड़ी के वार्ड क्रमांक 2 में वार्डवासियों का कहना है रोड नहीं तो वोट नहीं के साथ नगर परिषद का घेराव किया। वार्डवासियों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगर परिषद और विधायक से चर्चा की। वार्डवासियों का कहना है हमारे साथ भेदभाव क्यों। इससे पहले भी काला पीपल विधानसभा से विधायक रह चुके राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी हमारे वार्ड की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। आज दूसरे दल के विधायक होने के बाद भी हमारे वार्ड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसलिए दोनों दलों से नाराज वार्डवासियों ने नगर परिषद का घेराव किया और कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस पर विधायक कुणाल चौधरी ने वार्डवासियों को आश्वासन दिया है। क्या कहा है विधायक कुणाल चौधरी ने, सुने उन्हीं की जुबानी। समस्या है पुराने परिषद में कहीं काम नहीं करे हुए, उसके लिए लोग गए थे। वो लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, वहाँ पे कुछ प्राइवेट जमीन है जिसकी समस्या आ रही है। हमने अवगत कराया, कई बार बोला, शासन प्रशासन सबको अवगत कराया कि इन गरीबों के को न्याय दिलाए। बारिश में वो जाएंगे कैसे, पहुँचेंगे कैसे और किस तरीके से अपने घरों तक जाएंगे, ये कहीं बंद नहीं जाए, इसकी व्यवस्था प्रशासन करे। प्रशासन को इसकी जवाबदेही करना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में प्रशासन की जवाबदेही बनती है। पुरानी परिषद खत्म हो चुकी है, नई परिषद आई नहीं है और कहीं ना कहीं प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है और गरीबों के काम को रोक रही है। गाला पीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।